जानते हैं इक्वेटर के बारे में, जो पूरे पृथ्वी या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दे उसे इक्वेटर कहते हैं। इसे 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है। पृथ्वी के नक्शे को अगर कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये 0 डिग्री वाली लाइन कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। ये कुल 3 महादेश से होकर के गुजरती है। सबसे पहला है कौन सा, तो साउथ अमेरिका। दूसरा नंबर पे कौन सा है, तो ये हो गया अफ्रीका। और तीसरा नंबर पे एशिया। तो कुल 3 महादेश से होकर के ये गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कुल 3 महादेश से होकर के ये गुजरती है, ठीक। अब साउथ अमेरिका के कितने देश से होकर के इक्वेटर पास हो रहा है, तो 3 देश से, याद रखिएगा। कौन सा सबसे पहला, तो इक्वाडोर। दूसरा नंबर पे कौन सा कंट्री है, तो ये है हमारा कोलंबिया। कौन सा, कोलंबिया। तीसरा कंट्री कौन सा है, तो ब्राजील। कौन सा, ब्राजील। इन तीनों को एक ग्रुप में याद रखिएगा, ECB, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील। दूसरे कॉन्टिनेंट में चलते हैं, अफ्रीका में। अफ्रीका में टोटल 7 देश है जिससे होकर के इक्वेटर पास हो रहा है। सबसे पहला नंबर पे आता है कौन सा, तो साओ टोम। कौन सा, साओ टोम। इसका पूरा नाम साओ टोम एंड प्रिंसिपल है, ठीक। इसका क्या नाम है, दूसरा नंबर पे जो आता है इसका नाम है गैबोन। क्या चीज, गैबोन। तीसरा नंबर पे जो कंट्री है इसका नाम याद रखिएगा क्या चीज, तो कांगो। क्या चीज, कांगो। ये जो चौथा नंबर पे कंट्री आ रहा है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम याद रखिएगा DRC, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो देखिएगा इसको अकेले याद रखिएगा भाई साहब, साओ टोम एंड प्रिंसिपल। कौन सा, साओ टोम एंड प्रिंसिपल। इन तीनों को एक ग्रुप में याद रखिएगा, कौन सा, तो गैबोन। कौन सा, कांगो। कौन सा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब इधर जो 3 बच रहा है इसको देख लेते हैं, इसका नाम क्या चीज है, इसका नाम है केनिया। क्या चीज, केनिया। इसका क्या नाम है, युगांडा। क्या नाम है, युगांडा। और ये जो कंट्री बच रहा है यहां पर इसका क्या नाम पड़ जाता है, तो इसका नाम आ जाता है आपका सोमालिया। क्या चीज, सोमालिया। तो इन तीनों को एक ग्रुप में याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूं, पहला ये याद रखिएगा, फिर ये तीनों को याद रखिएगा, फिर ये वाला तीनों को याद रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं अंतिम कॉन्टिनेंट जिससे होकर के इक्वेटर पास हो रहा है, वो है हमारा एशिया। एशिया में कुल 3 ऐसे देश है जिससे होकर के इक्वेटर पास हो रहा है। तो सबसे पहला आ जाता है ये वाला कौन सा, तो मालदीव। इसका नाम है क्या, नाम है मालदीव। ये वाला कंट्री का क्या नाम है, इसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है, इंडोनेशिया। और ये जो 13 नंबर पे अंतिम वाला कंट्री देख रहे हैं इसका क्या नाम है, इसका नाम बड़ा अजीब है, किरीबाती। क्या नाम है इसका, किरीबाती। तो कुल मिलाकर के ये 3 महादेश से होकर के इक्वेटर पास होती है। कुल कितने देश से होकर के पास हो रही है, तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कुल 3 देश हो गए, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका के कुल कितने हो गए, तो 1, 3 और 3, कुल 7 देश हो गए, ठीक है। और ये एशिया के कितने देश हो गए, तो 3 देश। तो सबको अगर जोड़ लेते हैं, जमा करते हैं, तो ये कितना, 13 देश। तो हमने क्या जाना कि विषुवत रेखा कुल 13 देश से होकर के पास करते हैं। अब देखते हैं वाटर बॉडीज, इसको हिंदी में बोलते हैं जलाशय। ये कौन कौन से जलाशय से होकर के पास हो रहा है, तो सबसे पहला नंबर पे आता है ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, पानी वाला एरिया। इसका नाम है कौन सा, तो प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। बीच में जो ये जलाशय देख रहे हैं इसका नाम क्या चीज है, अटलांटिक। कौन सा, अटलांटिक महासागर। और तीसरा नंबर पे जो ये देख रहे हैं पानी वाला एरिया, ये वाला पूरा, इसे बोलते हैं हिंद महासागर। तो कुल ये 3 वाटर बॉडीज से होकर के पास हो रहा है। तो कोई पूछेगा इक्वेटर कितने जलाशय से होकर के पास हो रहा है या वाटर बॉडी से होकर के पास हो रहा है, तो 3 वाटर बॉडी से होकर के ये पास हो रहा है। अब एक सवाल आती है, क्या चीज, कि भाई साहब ये पूरे के पूरे जो इक्वेटर है इस पर सबसे ऊंचा वाला जगह कौन सा है ना, कोई तो होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस इक्वेटर। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इक्वेटर, ये पूरे जगह को अगर टटोला जाए तो आपको मिलता है किस कंट्री में, तो ये जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर में एक यहां पर ज्वालामुखी है। क्या है, एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का क्या नाम है, कायांबे। क्या नाम है, कायांबे। और इस यहां पर जो जगह है उसकी ऊंचाई है 4,690 मीटर। ये पूरे के पूरे इक्वेटर पर सबसे ऊंचा जगह है ये, और ये किस देश में पड़ता है, तो इक्वाडोर में पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।